जननायक जनता पार्टी के करनाल से जिला प्रधान इंद्रजीत सिंह गोराया ने प्रधान पद व जननायक जनता पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। इंद्रजीत गोराया ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि वे किसान आंदोलन के समर्थन में अपना इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार में भागीदारी है, परंतु सरकार किसानों की बात सुनने की बजाय उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है, जिसके विरोध में वे जननायक जनता पार्टी के जिला प्रधान पद व पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले इतिहास में उनसे पूछा जाएगा कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो वे किसानों के साथ थे या विरोध में, परंतु पार्टी का सरकार के साथ गठबंधन होने से वह किसानों का समर्थन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अपने पद व पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार पार्टी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला से बातचीत की गई कि जननायक जनता पार्टी का धरातल किसान है, किसानों के सहारे ही वह है सत्ता में आई है, परंतु उनकी बात सुनी नहीं गई, इसलिए वह पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और खुलकर किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए इंद्रजीत गोराया ने कहा कि उनका अभी किसी भी पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं है। जब तक किसानों के समर्थन में ये तीन काले कानून वापस नहीं होते, वह किसी भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे। स्वागत करता हूं कि आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहां पर आकर के जो हमारी बात आगे पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। आज जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लगभग 70 दिनों से जो किसान आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर चल रहा है, दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहा है, उसके बारे में मैं आज किसान आंदोलन को समर्पित होकर के अपना जननायक जनता पार्टी जिला करनाल का अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूँ और किसानों को समर्थन देने के लिए आज की मीटिंग का यही हमारा मंत्र था। जैसा कि सरकार ने किसान आंदोलन और किसान नेताओं की बात सुनने की बजाय किसानों को बदनाम करने का जो काम किया है वो बड़ा पीड़ादायक है, और इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारी पार्टी भी बीजेपी के साथ हरियाणा में वो एक भागीदार है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम आज जो एक जन आंदोलन है इसमें कहीं भी जब इतिहास लिखा जाएगा तो हम ऐसा नजर ना आए कि हम अपने किसान भाइयों के खिलाफ थे, इसलिए मैंने फैसला लिया कि हम किसानों के साथ रहेंगे और पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। सर, पद से इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं? नहीं, मैं पद से भी दे रहा हूं और पार्टी से दे रहा हूं। पार्टी से भी दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों, क्या मन में आया ऐसा, क्या विचार आया, क्योंकि आप तो इंद्र दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला इनके काफी करीबी हैं, और क्या आपने बात नहीं की, उन्हें समझाने का प्रयास नहीं किया, या उन्होंने आपको समझाने का प्रयास नहीं किया? मैंने काफी समय लगाया उन्हें बताने के लिए, जब से ये ऑर्डिनेंस जारी हुए थे तभी से हमारी बात चल रही थी किसान विरोधी है, क्योंकि जगह जगह विरोध हो रहा था, किसान नेता जो है इसका पंजाब में, हरियाणा में, पूरे देश में विरोध कर रहे थे। उस वक्त भी मैंने अपने माननीय नेताओं को बताया था कि ये हमारे हक में नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी का जो राजनीतिक धरातल है, जो राजनीतिक क्षेत्र है, वो भी किसान है और हम किसानी से जुड़े हैं। अगर हम इस बार हम किसानों के साथ नहीं खड़े हुए तो हमारा जो राजनीतिक आगे भविष्य है वो खतरे में है। तो हमें चाहिए कि हम किसान होने के नाते, चौधरी देवीलाल जी की पार्टी के अलग होने के नाते, हम किसानों के साथ खड़े हों। और बार बार, एक बार नहीं, मैंने तो अनेक बार बात की है, उसके बावजूद क्योंकि हमारी पार्टी भागीदार थी, फिर भी पिछले 3 दिसंबर से हम लगातार किसानों के समर्थन में आंदोलन में शामिल हैं। लगभग 67 दिन हो गए हैं या 65 दिन के आसपास मैं भी किसान आंदोलन में लगातार वहाँ पर दिल्ली में जाकर के 3 बॉर्डरों पे, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और जो गाजीपुर है वहाँ पर जो भी हमारे से बन पाया है किसानों के समर्थन में, वहाँ पर लोगों को भी लेके जाते रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पर जो सामग्री वगैरह किसकी जरूरत पड़ी वो भी हमने मदद करने का अपनी तरफ से प्रयास किया। राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए इस्तीफा दिया है या किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया है? नहीं, ऐसा है कि राजनीतिक भविष्य वाली कोई बात नहीं, ये आपने कहा कि राजनीतिक भविष्य हमारा खतरे में, वो बात पार्टी मंच पर हुई थी, लेकिन आज मैं किसी पार्टी में जाने का कोई मेरा विचार नहीं है। मैं आज किसानों को समर्पित होकर के पार्टी छोड़ रहा हूँ, अपना पद छोड़ रहा हूँ, किसानों ये आंदोलन को समर्पित कर रहा हूँ सारा। कोई मेरा किसी पार्टी में अभी जाने का कोई विचार नहीं है, जब तक ये आंदोलन चलेगा मैं किसी पार्टी को शामिल नहीं होऊंगा। इनेलो तो किसानों के समर्थन में है, अभय चौटाला ने इस्तीफा भी दे दिया, आप पुराने इनेलो के कार्यकर्ता नेता भी रहे हैं, तो क्या इनेलो की तरफ थोड़ा सा रुख? नहीं, मैंने जैसा कि बताया कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक किसानों के साथ सम्मानजनक पूर्व ये कोई फैसला नहीं हो जाता, ये तीनों कानून रद्द नहीं हो जाते, तो हम किसानों की लड़ाई में किसानों के साथ खड़े रहेंगे। कोई राजनीतिक दल किसी की मेंबरशिप लेने का मेरा अभी तक फिलहाल कोई विचार नहीं। सर, 2 महीने ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंकवेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.